तो ये मैंने लिख लिया है ताकि एक साल बाद इसको सोट देंगे। देख दे आसी भी आते हैं कि निवार जाने हैं मन। हस्बैंड लोग ना जिम ज्वाइन करते हैं बस पैसे देने के लिए कि पैसे पर ही जाओ, हर महीने पर जाते नहीं। सो इतना ज्यादा बड़ा रिएक्शन नहीं दे के आप थोड़ा कम रिएक्शन दे सकते हैं। एंड मुझे सन सो मेरे पास फिलहाल एक ही प्लांट है जो सकुलेंट है। सो उसके क्लासेस पहनना मुझे बहुत पसंद नहीं होगी, यहाँ पे ना बहुत दुख रहा है। आई हैव फ्यू क्वेश्चंस फॉर यू, कैन यू आंसर? आई हैव अ कंफ्यूजन ऑफ कंफ्यूजन, हाउ डू आई फिक्स दैट? आई डोंट नो, थैंक्स। हेलो दोस्तों, आज मैंने ना वीडियो शूट की है मिलानी के कंसील प्लस परफेक्ट फाउंडेशन की। ये कोई नया फाउंडेशन नहीं है, काफ़ी ज़्यादा पुराना है, पर मैंने इसलिए इसकी वीडियो शूट की है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छी ऑप्शन है उन दोस्तों के लिए जिनके चेहरे पे स्कार्स है, एक्ने है, पिंपल है, जिस दिन वो उसको कवर करना चाहते हैं, अगर पैसे ज़्यादा नहीं स्पेंड करना चाहते तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी ऑप्शन है। इसका एप्लीकेशन, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैंने उस वीडियो में शेयर की है। इस व्लॉग से पहले ही शायद वो वीडियो लाइव चली जाएगी, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी ताकि आप देख पाएं। आज मैंने ना दो डिफरेंट शेड्स को मिक्स करके अपना शेड बनाया है, ये है 7 सैंड एंड 05 नेचुरल बेज। एंड अब क्या करेंगे, भूख लग रही है, कुछ कुक करेंगे। आपने किसी व्लॉग में देखा होगा कि मैं ये नया शेड खरीद के लाई ना, तो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ भी शेयर करना चाहिए कि कितना दी फिनिश है। जब मैं कोई फाउंडेशन खरीदती हूँ ना, उसके पीछे मैं एक्सपायरी डेट लिख लेती हूँ क्योंकि मैंने बहुत डर लगता है कि एक्सपायर प्रोडक्ट अपने फेस पे यूज़ करने से। तो ये मैंने लिख लिया है ताकि एक साल बाद इसको सोट देंगे। इस पे मैंने लिख लिया है अक्टूबर 2023, सो ये अक्टूबर 2024 को सोट दिया जाएगा। सो आपको भी मैं कहना चाहूँगी कि आप भी एक्सपायर मेकअप प्रोडक्ट बिल्कुल मत यूज़ करें, स्पेशली जो स्किन ऑब्जर्व करी थी, जो आप स्किन पे यूज़ करते हैं लाइक फाउंडेशन, कंसीलर या फिर जो भी स्किन पे जाता है, स्किन केयर जैसे एक्सपायर स्किन केयर भी मत करें। वैसे ऐसे नहीं है कि वो स्किन को ख़राब कर देगा, बट कमेंडेड है कि मत करें। मैंने ना किसी की वीडियो देख रही थी और वो मेकअप कर रही थी लेडी, उसने फाउंडेशन यूज़ किया एंड शी सेड कि वो ये 10 साल पुराना है। मुझे लगा कि शिट, 10 साल, मैंने लगा कि यार नहीं, 10 साल नहीं करना चाहिए अपनी स्किन के साथ इतना बड़ा अत्याचार। मैं बहुत खुश हूँ, आज सूरज पूरा वल्लो चढ़िया, पश्चिम वल्लो, सॉरी, कह रहे कि ज़्यादा मेरी तारीफ की थी, मैं जाना भी नहीं हूँ। ना ब्यारी ना, उन्होंने ना कैंसिल ना कर ली। गाइस मेरे हस्बैंड ने ना, एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने नहीं, मतलब दुनिया के सारे हस्बैंडा ने जिम ना लेना देना है पिछले कोई कर्मा का, उन्होंने पैसा दई जाते दई जाते दई जाते साल दो दो बार जाते। हाँ तो जोन आउट हो जाने, गेनिंग पीरियड स्टार्ट है क्योंकि मोटापा गेनिंग मसल गेन। ओह मेरा उल्टा, समर च लोग मसल रखाते हैं, समर च मैं डगा लेना अपने मसल, और विंटर च मैं बल्क अप हो जाना। देखते हैं असी भी इतने ही किन्नी बार जाने हैं, मिनट तो हूँ भी थोड़ा ओपरा ओपरा लग। उन्होंने कहना यार कितों गया, उन्होंने कहना आई डी विखा भरा तू है कौन, भूल गए होने, स्टाफ भी बदल गया होना, लगा मैं उवें गड्डी घूम चक्कर चला के आया बहु उवें, तो उन्हें स्टाफ बदल गया होना उ। जिदा मैं बचपन च ट्यूशन पढ़ने वाले करता रहा ना, घरों चल जाता रहा, तो उ मैं पार्क दुड़की मार लेंदे ने, टाइम हो गया मैं वापस आ गया। नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हालचाल है, उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं हैं तो आज ज़रूर से अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि आज हम बातचीत करने वाले हैं कि दुनिया को कैसे सुधारा जाए। क्योंकि मैंने देखा है कि सबको बहुत मज़ा आता है ये टॉपिक के बारे में बातचीत करने में, कि दूजा को किदा सुधारा जाए, लाइक लोगों को सीधा किदा किया जाए, जो आपको तकलीफ देते हैं उनको किद्दा तीर की तरह सीधा किया जाए, लाइक कोई आपके बारे में बुरे विचार बता रहा है दुनिया को या कोई आपको हर्ट करता है, हम आज इस वीडियो में सबको सीधे कर देंगे। सो इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, पर पहले हम बात करेंगे मेरी खूबसूरत ज्वेलरी के बारे में। आज मैंने जो नेकलेस पहना है इसका नाम है लेव, इसमें बहुत प्यारा सा हार्ट है, हार्ट आपके नेक पे बहुत खूबसूरत लगता है, एंड ये बहुत प्यारे जोई हूप्स, इसके अंदर प्यारे प्यारे स्टड्स हैं जो बहुत अच्छी तरह बिल्ट है कि वो बाहर नहीं आएंगे।
बहुत प्यारी 18 कैरेट गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी है। इसको खरीदने के लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, बहुत रीजनेबल प्राइस पे है। ये वाटर प्रूफ एंड टार्निश प्रूफ है, ज़रूर से आपके कलेक्शन में होनी चाहिए। एंड हमारे पास मेकअप ब्रशेज भी हैं, लैशेज भी हैं, सारे ही चीज़ें आपको मिलेंगी simorshop.com पे अगर आप ख़रीदना चाहते हैं। मेरे हिसाब से ऐसी ज्वेलरी हर एक के पास होनी चाहिए जो टाइमलेस है और आपके आउटफिट्स को 0 से 100 ले जाती है, क्योंकि जब आप ज्वेलरी पहन लेते हैं ना सारा आउटफिट टाइट टुगेदर हो जाता है। समय हुआ एक, हमने खाना खा लिया है। कल मैंने राजमा राइस बनाए थे, उसकी भी मैंने वीडियो शूट की थी। आज मैंने वीडियो शूट की है ये बहुत ही प्यारा सा लाटे मेकअप, आजकल ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर चल रहा है। एंड मैं, मुझे लगता है नॉर्मल हमेशा यही वाला लुक पहनती हूँ ब्राउन्स, पर मेजॉरिटी ऑफ टाइम मेरा जो लुक होता है वो मैट होता है। सो हस्बैंड गए हैं जिम आज सदियों के बाद। मैं सोच रही थी कि वो जिम जा रहे हैं, उनको वहाँ का स्टाफ भी पहचानेगा नहीं, होगा आई डी दिखाओ, ये करो, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। हस्बैंड लोग ना जिम ज्वाइन करते हैं बस पैसे देने के लिए कि पैसे पर ही जाओ, हर महीने पर जाते नहीं है। बहुत ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम है कि बस मेंबरशिप भी पे करते हैं पर जाते नहीं है। मैं तो जिम जाने वाला बंदा नहीं हूँ, कुछ ईयर्स पहले मैं जाती थी, पर जब मेरे पास मेंबरशिप थी मैं हमेशा हफ्ते में 4-5 दिन जरूर जाती थी। पर अब मैं वेट लिफ्टिंग या जिम वाली चीज़ें नहीं कर सकती हूँ बिकॉज ऑफ माई हेल्थ कंडीशन। पर यस, योगा करना चाहती हूँ कि धीरे धीरे यू नो बिगिनिंग से शुरू करके एंड पूरे अच्छे अच्छे पोजेस, क्योंकि वो आप कर सकते हैं। एंड अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा के आप कुछ भी कर सकते हैं। एंड योगा इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है एंड सारे बेनिफिट्स मुझे पता है, फिर भी मैं इतना इंटेंसली फोकसली या एंड कंसिस्टेंटली नहीं कर पाती हूँ। पर मैं यह कोशिश कर रही हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कर पाऊँ एंड एवरी डे कुछ ना कुछ कर पाऊँ। और एक रिमाइंडर है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप मेरे फ्यूचर में आने वाली वीडियोस को मिस नहीं करेंगे। मैं बहुत प्यारी वीडियोस बनाती हूँ, वीडियोस मैं बस बनाने के लिए नहीं बनाती हूँ, मैं वही वीडियोस बनाती हूँ जिसको बनाने में मुझे मज़ा आता है एंड मैं आपको एक अद्दी चीज़ बता पाऊँ। पर वैसे एंड ऑफ द डे स्टोरी ये है कि मैनू आपको भी बहुत ज़्यादा चीज़ें पता नहीं है। लगता था कि मैंने अभी पता, पर जिन्ना मैं अपने आप को ज्ञान की तरफ लेके जा रही हूँ, चीज़ों को जानने की कोशिश कर रही हूँ, उतना ज़्यादा मुझे लग रहा है कि व्हाट द हेल, आई एम जस्ट ज़ीरो। ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप को क्रिटिसाइज़ कर रही हूँ, पर या बहुत कुछ जानना बाकी है। I'm not even on air yet. ओके, चाय बनाने वाली हूँ, मैं चाय पीने वाली हूँ। खाना मैंने खाया था आज 12 बजे, और मैंने चाय का दिल कर रहा है पीने के लिए। एंड बाहर बहुत ठंड भी है, मैंने फायरप्लेस को भी ऑन कर लिया है। हस्बैंड बोल रहे थे कि मुझे लगता है कि तुम चाय की मात्रा थोड़ी ज़्यादा ही बढ़ा दोगे अब। मैं, ये हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। एंड मेरे बालों से बहुत ऑयल निकला है, वॉश करने वाले हैं, पर वॉश करके वो कर्ली हो जाते हैं, सो बाद में करेंगे। ऐसे ही मैंने कट्ठे पुट्ठे कर लिए हैं। बहुत सारे लोगों को करना चाहते हैं, पर आज हम शुरुआत करेंगे कि कैसे अपने पेरेंट्स को चेंज करें। वो पेरेंट्स आपके हो सकते हैं, आपके हस्बैंड के हो सकते हैं, लाइक आपके इन लॉज हो सकते हैं। सो उनको चेंज कैसे करना है, इसी के बारे में बात करते हैं। जब वो चेंज हो जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएगी। तो अगर आपको ऐसे लगता है कि आपके पेरेंट्स इन लॉ को चेंज करके आपकी ज़िंदगी खुश हो जाएगी, तो आपको बिल्कुल गलत लगता है, ऐसा नहीं होगा। आप अपने पेरेंट्स को, पेरेंट्स इन लॉज को नहीं चेंज कर सकते हैं। आप जितनी भी मर्जी कोशिश कर ले, जो मर्जी हथकंडे अपना ले, आप नहीं कर सकते हैं। एंड दूसरी चीज़ है, आप चेंज करेंगे भी क्यों, आपको नहीं पता है कि आपका तरीका सही है या उनका सही है। हो सकता है कि उनका तरीका सही हो, बट ये है कि दोनों के तरीके डिफरेंट होके भी सही हो सकते हैं। तो अगर आप उनको चेंज करने के रास्ते पे तुरेंगे तो ज्यादा परेशान फ्रस्ट्रेटेड आप ही होंगे। चेंज आप ये कर सकते हैं कि अपने पेरेंट्स के बिहेवियर पे आप रिएक्ट कैसे करते हैं, रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, ये आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पेरेंट्स आपको चीजें बुरी बोलते हैं आपको हर्ट करने के लिए, ये हो सकता है, पॉसिबल है, या कंपेयर करते हैं और आप बहुत हर्ट होते हैं, तो आप पे है आप रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे। सो इतना ज़्यादा बड़ा रिएक्शन नहीं दे के आप थोड़ा कम रिएक्शन दे सकते हैं, या अपने अंदर को इफेक्ट नहीं होने दे। ऐसी अच्छी सिचुएशन आप चूज कर सकते हैं कि कैसे आपको रिएक्ट करना है। एंड ये चीज़ आप अपने पल्ले बांध लें कि आप किसी को चेंज नहीं कर सकते हैं, स्पेशली पेरेंट्स को। और एक और मैं आपको बात बताना चाहती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपके पेरेंट्स की वजह से आप में कोई ट्रॉमा हो, आपकी परवरिश में कोई ऐसी चीज़ें हों जिससे
आप दुखी हों, आप छोटे थे, आपके साथ उन्होंने बैड बिहेव किया, वायलेंस हो सकती है, अब्यूज़ हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको ट्रॉमा दे देती हैं होल लाइफ के लिए. इसके लिए आप अपने पेरेंट्स को ब्लेम करते रहते हैं हमेशा. वो ब्लेम करना आपको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा डैमेजिंग है. आपको क्या करना है, अपने पेरेंट्स को फॉरगिव कर दें अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया है जिसमें आपको अब्यूज़ इन्वॉल्व हो, वायलेंस हो, या पेरेंट्स की फ़ाइट आपको बहुत ज़्यादा डराती हो, अभी भी आपको वैसे ड्रीम आ रहे हैं, तो आपको उनको फॉरगिव करना है जैसा भी उन्होंने आपके साथ किया है. ब्लेम एंड वो जो गंदी गिल्ट वाली फीलिंग अपने अंदर आप मत रखें, उससे आप ही का डैमेज होगा. सो उनको फॉरगिव कर दें, फॉरगेट मत करें, भूले मत चीज़ों को कि आप अपने आप को फिर उसी सिचुएशन में दोबारा से डाल सकते हैं. बट फॉरगिव करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और उनके लिए भी, सो आपका जो कार्मिक कनेक्शन है वो क्लीन हो जाए. अदरवाइज अगर आप ब्लेम एंड वो गंदी फीलिंग अपने अंदर रखेंगे वो कर्मा बनता है एंड आपको लेटर उसके साथ डील करना ही पड़ेगा. आज नहीं तो कल और आने वाले जन्मों में. अब मैं इस चीज़ में बिलीव करती हूँ. सो आपको कर्मा क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए उनको फॉरगिव कर दे. आप देखेंगे कि कुछ मुश्किल है फॉरगिव करना, कुछ समय लगेगा, हफ्ते महीने साल लग सकते हैं, बट आप जब फॉरगिव कर देंगे आपको बहुत शांति फील होगी एंड आप एक डिफरेंट नज़रिए से उनको देख सकते हैं. ये इन लॉज के लिए भी है, पेरेंट्स के लिए भी है. जब आपका वो कार्मिक कनेक्शन जो जिसमें ये कॉन्फ्लिक्ट है, दुख तकलीफ है, वो क्लियर हो जाता है ना, आपकी तरफ से वैसा रिस्पॉन्स नहीं आता, तो चीज़ें सेटल डाउन होनी शुरू हो जाती. समय लगेगा पर हो जाएगा. सो अगर आप समवन उस दौड़ में हैं कि कितना किसी को सबक सिखाया जाए, कैसे रिवेंज लिया जाए, कैसे किसी को सिद्धा किया जाए, कैसे आप उसको अच्छा इंसान बना सकते हैं, आप नहीं कर सकते हैं. आपको ज़रूरत नहीं, और आपको किसी ने जॉब नहीं दी है कि ये तुम्हारा टास्क है, उनको जाके सिद्धे करो और वो आपके हिसाब से चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा. चीज़ें आपके हिसाब से चलेंगी तो बहुत अच्छा होगा, ये आपको कैसे पता, शायद डिजास्टर हो जाए. यही लाइफ है, कुछ मिठियाँ चीज़ें हैं, कुछ कौड़ियाँ हैं, कुछ हैप्पी है, कुछ सैड है, ये कॉम्बिनेशन ही अच्छा बनाता है लाइफ को. अगर सारा कुछ ही हैप्पी, सारा कुछ ही एक ही रास्ते में जाने वाला होगा तो मज़ा भी नहीं आएगा, राइट. अपने आप को सुधारें, अपने आप पे काम करें कि मैं अपने आप को बेटर कैसे बना सकता हूँ. जब आपकी प्रायोरिटी आप हो जाते हैं ना, तो यूनिवर्स की भी प्रायोरिटी आप हो जाते हैं. आपकी ज़िंदगी में चीज़ें मैनिफेस्ट करनी आसान हो जाती हैं. आप देखेंगे कि आपके दिमाग में नेगेटिव थाट्स पॉजिटिव से ज़्यादा आते हैं, फिर आप सोचते हैं कि यार मेरी ज़िंदगी मेरे हिसाब से क्यों नहीं चल रही है. एक्चुअली आप नेगेटिव थॉट ज़्यादा क्रिएट करते हैं पॉजिटिव के मुकाबले. सो यूनिवर्स को क्या पता है कि आपको एक्चुअली में क्या चाहिए. ज़्यादा तो आप डाउटफुल है, ज़्यादा तो आप कहते हैं यार ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, तो वैसा कैसे हो सकता है. आपको बिना किसी डाउट के 100% लकी गर्ल सिंड्रोम अपनाना है कि मेरे साथ तो सब कुछ अच्छा ही होगा, मेरे साथ कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता है, तो आप वैसा ही मैनिफेस्ट कर लेंगे. सो आज के ये प्यारे से सखी सहेली सेशन के लिए बस इतना ही. सो एंड ऑफ द डे, आप किसी को सुधारने की कोशिश मत करें. मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती वो वीडियोस. मुझे वो वीडियोस बहुत अजीब लगती हैं जिसमें गर्ल्स बोलती हैं कि उसके हस्बैंड को सिर्फ उसी की सुननी चाहिए, उसके इन-लॉज की नहीं सुननी चाहिए, उसको दोनों की सुननी चाहिए, उसको दोनों को मैनेज करना पड़ेगा. पर वो ऐसे नहीं है कि आप उसकी ज़िंदगी में आ गए तो अपने पेरेंट्स को हेट करना शुरू कर दें और सिर्फ दोनों ही लव करें. या बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि पेरेंट्स बैड इन्फ्लुएंस हो या बैड कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हो, तो हस्बैंड का दिमाग अपना यूज़ करना चाहिए कि केड़ी चीज़ को कैसे करना. पर ये नहीं है कि वो अपने पेरेंट्स को बिल्कुल जीरो जीरो कर दे और आप ही को 100 दे दे. ऐसी चीजें मत सोचा करो यार. खूबसूरत चाय बन चुकी है, इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं है, पर मुझे इसके पास बैठना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. अभी मैं थोड़ी देर में गर्मा गर्म हो जाऊँगी तो इसे बंद कर देंगे. पर यार जोड़ों में ना मज़ा आता है. अच्छा सन नहीं निकला ना, वैसे सन निकले तो अच्छा वार्म, बहुत वार्म रहता है. कैलगरी की खूबसूरत बात यह है कि यहाँ पर सन बहुत ज़्यादा अमाउंट में निकलता है. हमारे पास टोरंटो में ऐसे होता था कि बहुत सारे दिन आपको एक साथ ही सन देखने के लिए नहीं मिलता था, और वैसा नहीं है यहाँ पे. एंड मुझे सन बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है फॉर सम रीज़न. सभी को लगता है राइट. Thank you.
drops. Now that you got me started, I just can't stop. No, no. So ये ना बहुत अच्छे हैं ऑर्डर डॉक्टर फॉर वॉशरूम्स और टॉयलेट्स. सो बेसिकली आज ना बहुत ज़्यादा मज़ेदार नहीं इंटरेस्टिंग नहीं क्लीनिंग की शॉपिंग करने के लिए. मैं ज़्यादातर मेरी क्लीनिंग की शॉपिंग कनेडियन टायर से करती हूँ. सो मैंने सो फार ये चीज़ें खरीदी हैं. एक ये मिसेस मायर्स का मैं मल्टी सरफेस कॉन्सेंट्रेट लेती हूँ. इससे मैं खुद से क्लीनर बना लेती हूँ हमेशा. नहीं बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अफोर्डेबल भी पड़ता है. ये 13 में आएगा और एक ईयर चल जाता है मेरा और मैं एवरी डे यूज़ करती हूँ. एंड ये अच्छा अरोमा थेरेपेटिक है, इसमें हार्श केमिकल्स नहीं है. एक कैंडल भी ली है मैंने विंटर के खुशबू की. सो मेरे पास फ़िलहाल एक ही प्लांट है जो सकुलेंट है. सो उसके लिए अलग से सॉइल होती है एंड वो लेनी है मुझे. एंड मैं ये परलाइट भी लेना चाहती हूँ क्योंकि ये भी एरेशन का काम करता है ताकि प्लांट्स ज़्यादातर ज़िंदा रहे एंड उन्हें उनकी न्यूट्रीशंस मिलते रहे. सो ये दो चीज़ें लेंगे. सो ये हमारा लोकल कनेडियन टायर है एंड इतने इन्होंने बहुत ही ज़्यादा गंद में जा कर रखा है. डोंट नो रेनोवेट कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, पर इन्होंने सारी चीज़ें काट के बाहर रख दी है. आई थिंक इन्होंने बंद कर दिया था स्टोर थोड़ी देर के लिए. लुक हाय दोस्तों, सो आज मैंने ग्लासेस पहन के रखी. ग्लासेस पहनना मुझे बहुत पसंद नहीं होगी, यहाँ पे ना बहुत दुखल लग रहा था. ओके, मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ. बहुत ही रैंडम सी हॉल होने वाली है, बोरिंग स्टफ है, बट आपने कहा कि मैं आपको दिखाया करूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ. सो ये कंटेनर लेके आई हूँ एक मैं वॉलमार्ट से. इसमें मैं आटा डालूंगी. वैसे मुझे चाहिए था कोई बेसिक देसी स्टील जैसा, नहीं मिला है, बट इंडियन ग्रॉसरी स्टोर से मिल जाता है. एक अपने लिए क्लीनर लेके आई हूँ. फ्लॉस है मेरे पास, बैटरीज हैं क्योंकि जो मेरा लेबल मेकर है उसमें से बैटरीज फिनिश हो गई हैं एंड मैं मेरी पैंट्री को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश में हूँ. एंड ये वाला वो कंटेनर है. एक ये कंटेनर है कि जैसे मेरे पास ऑलरेडी 4 हैं तो ये एक सिमिलर मिल गया तो 5 हो जाएंगे सिमिलर से. इसमें देखते हैं हम क्या ऐड करेंगे. इनमें वैसे ये वाले हैं ना जो मेरे पास, उसमें मैंने आटा, बेसन, मक्की का आटा, सूजी ऐसे इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं. तो इसमें भी उससे मिलती जुलती कुछ ऐड करेंगे. सकुलेंट के लिए मिट्टी लेके आई हूँ, सॉइल. मेरे पास फिलहाल एक ही प्लांट है जो हार्ट ऑफ स्ट्रिंग बहुत ग्रो कर रहा है वो, और उससे इसकी उससे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. एंड परलाइट भी लेके आई हूँ क्योंकि मेरा प्लान है कि घर के जितने भी मेरे पॉट्स हैं उनमें मैं सॉइल ऐड करूँगी. तो सॉइल ऐड करने से पहले परलाइट को मिक्स करना मुझे अच्छा लगता है क्योंकि ये अच्छा है आपके प्लांट्स के लिए. ये हेल्प करता है ड्रेनेज के लिए क्योंकि ऐसे एयरेशन कर देता है, आराम से ड्रेन हो जाता है पानी. ऐसे आपकी सॉइल बहुत गिल्ली सी नहीं रहती, उससे क्या होता है जड़ें गल जाती हैं. सो दैट्स दैट. एंड ये बहुत ही प्यारे से एयर फ्रेशनर्स हैं टॉयलेट्स के लिए और इसकी खुशबू है वनीला सैंडलवुड. मुझे लगता है ये परफेक्ट है विंटर सीजन के लिए, सैंडलवुड एंड वनीला. एंड एक मैं ना रूम स्प्रे भी लेके आई हूँ, ये है मोहागनी. मुझे वुडी एंड अर्थी टोन की खुशबू बहुत अच्छी लगती है. वैसे मेरा घर जैसे प्लांट्स एंड अर्थी है तो मुझे लगा कि ये खुशबू है मेरे घर से मैच करेगी क्योंकि हम जब कुछ भी रूम फ्रेशनर यूज़ कर लेते हैं और अजीब सा लगता है, राइट. मुझे लगता है कि आपके घर के डिकोर के हिसाब से या आपके घर की सोल के हिसाब से आप अगर यूज़ करें तो मिक्स एंड मैच हो जाता है. आई डोंट नो, आई मीन ज्ञान. सो एक कैंडल लेके आई हूँ अभी उनके पास. कैनेडियन टायर की आपने हालत देखी कितना टूटा फूटा है, पता नहीं क्या कर रहे हैं वो. वैसे उनके पास अफोर्डेबल कैंडल मिल जाती है 6-7 में, पर मुझे ये मिली है 8 समथिंग में. एंड एक ही खुशबू मुझे अच्छी लगी, ये सिनेमन बन है. मुझे लग रहा है जैसे ठंडी का मौसम आएगा, फॉल है विंटर है, तो सिनेमन की खुशबू घर में बहुत अच्छी. एंड ये स्विफर जेट का रीफिल है वुड को क्लीन करने के लिए, वो फिनिश हो गया था तो वो लेके आई हूँ मैं. एंड आपको मैंने दिखाया था अर्लियर कि मिसेस मायर्स का ये कॉन्सेंट्रेट, इससे साल भर तक आप क्लीनर बना सकते हैं अपना खुद से. एंड हम लोग आजकल सूप काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है क्योंकि बाहर ठंड होती है तो गर्म गर्म पीने में बहुत मज़ा आता है. तो ये सूप स्पून लेके आई हूँ मैं क्योंकि मुझे क्लासिक स्पून सूप स्पून चाहिए. वो एशियन वाले भी अच्छे लगते हैं पर इसमें अलग सा ही मज़ा है एक. ये लेके आई हूँ मैं स्क्रब मॉमी, ये बहुत पॉपुलर हुआ था शार्क टैंक से बहुत साल पहले. मुझे कभी भी मिला नहीं है ये, आज मैं पहली बार लेके आई हूँ. देखते हैं कैसा है, लोगों को बहुत पसंद है. और ये डिश वॉशर सेफ है, जब गंदा हो जाए आप उसको वॉश कर सकते हैं. एंड एक लाइटर लेके आई हूँ कैंडल्स को जलाने के लिए क्योंकि कई बार जो कैंडल नीचे तक चली जाती है ना तो मेरी जो माचिस की तीली है वो वहाँ तक नहीं पहुँचती और बड़ी माचिस नहीं लेना चाहती हूँ मैं, जल्दी ख़राब हो जाते हैं. ये एक ले लिया मैंने. एंड विनर भी गई थी मैं, आपको मैंने दिखाया या नहीं है, वहाँ से मैं ये बहुत ही प्यारे से पुर्तगाल से बने हुए हैंड क्राफ्टेड बोल लेके आई हूँ. ये सूप के बोल्स हैं,
सिर्फ दो ही लिए हैं मैंने मेरे और हस्बैंड के लिए. वेरी एक्साइटेड टू यूज़ दीज गाइस. वो हैंड सोप लिया है. खुशबू इसकी विंटर्स के लिए है, सैंडलवुड एंड समथिंग. एंड ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसकी बॉटल काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है एंड इसे हम लेटर रीफिल कर लेंगे क्योंकि लास्ट वाली जो मेरी हैंड सोप वाली बॉटल थी ये ग्राउंड फ्लोर वाले जो पाउडर रूम है टूट गई. सो मैंने सोचा कि ये खूबसूरत लग रही है एंड काफ़ी लग्जरी भी, तो इसको ले लिया है मैंने. अच्छा है ये, रीफिल करेंगे हम लेटर. सो दैट्स इट, यही चीज़ें खरीदी हैं मैंने. अब मुझे क्यों बहुत हुई है यहाँ से ला खेडन से गोल्फ चल रहे अब जा रही है कि फंक्शन है स्कूल का शुरू हो गया. ऑलराइट दोस्तों, हस्बैंड जा रहे गोल्फ खेलने के लिए, प्रैक्टिस भंगड़े की करने लग पे की हो गया डफली ला ला ला. आपने कोई वैल्यूएबल विचार दसो. गर्मी बहुत है, पानी ज्यादा पियो, हाइड्रेट रहो दोस्तों, पानी पियो ना कोई पर मैं ठंड च रहने हो मैं पानी पी के क्या फर्ज है. पानी पानी पीना जरूरी. दोस्तों हम लोग गए थे थोड़ी देर पार्क में एंड हम घर आ चुके हैं पार्क से एंड अब मुझे रोल प्ले करना है टीचर का. सो हम हिम्मत को पढ़ाएंगे अराउंड एक घंटे तक. सो आज हिम्मत चैप्टर पढ़ने वाला है टिम हॉर्टन्स एंड हिम्मत को कोई आइडिया नहीं है टिम हॉर्टन कौन है. आई नो बट हिम्मत लव टिम हॉर्टन्स डोनट्स. सो मैं करने वाली हूँ वीडियो को एडिट एंड दिस किड इज हेयर स्टडी कर रहा है. देखो कितना इंटेलिजेंट लग रहा है गाइज, इतना इंटेलिजेंट लग रहा है कि इसकी शक्ल पे मत जाना, ही इज नॉट दैट इंटेलिजेंट एक्चुअली. I have few questions for you. Can you answer? No thanks, but okay. Guys, आपको बताया नहीं है मैंने, मैं हिम्मत की ट्यूशन टीचर हूँ. सो मेरा नाम है मिसेस बर्गेंजा. No, it's Mrs. Maggie. Okay, मेरा नाम है मिसेस मैगी एंड दिस किड इज रियली गुड. आई एम गोना शो यू हिज टैलेंट. शो योर टैलेंट टू everybody. I don't even know what's my talent. What do you want me to do? Eat a donut? You look a little suspicious to me. Other day you were very suspicious and picked that arrow thingy. I think I have to see your mom. Why? Because you're not working enough hard. I'm waiting for you to say go. 1, 2, 3, go. Nice. Okay. So this is chapter 1 billion. So this is Tim Hortons. You have to read whole thingy like 5 times. And then you have to answer all these questions. And if you have any confusion, do not dare to ask me. Thank you very much. Solve your problem yourself because I have my problems. I have a confusion. How do I fix that? I don't know. Thanks. And what's after finishing this study, you are going and cleaning my kitchen. At least that's better. Okay, thank you very much. Start working now. Tim Hortons. More donut chucks per person. Read in your stupid mind. Finally, you said that.
ओके सो फाइनली हमारी किचन का काम हो गया है फिनिश, सबने खाना खा लिया है, अब जा रहे हैं हम लोग स्किन केयर करने के लिए। हिमा शावर लेगा, देन हम सो जाएंगे एंड इसी तरह हमारा प्यारा दिन हो जाता है कंप्लीट। सो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एंड मैं मिलती हूँ नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, लव यू गाइस सो वेरी मच, बाय बाय।